रुको, ये कैसी आवाज है? ये टॉयलेट से आ रही है क्या? किसी और ने सुना? यहाँ हो क्या रहा है? मैं जाकर देखती हूँ। हेलो, क्या अंदर कोई है? अजीब बात है, कोई भी नहीं है। रुको, टॉयलेट में कुछ है। ये क्या है? क्या ये कोई डॉल है? गू से भरी हुई है, बहुत गंदा है। बहुत बुरी बदबू है। हाँ, ये ठीक नहीं है। मुझे बुलीज पसंद नहीं है, बस करो। हाँ, तुम्हें निकल जाना चाहिए और वापस मत आना। तुम ठीक तो हो? तो मेरे साथ चलो, हमें तुम्हें साफ करना होगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि तुमसे बदबू आ रही है। चलो पहले तुमसे स्लाइम हटाते हैं। याक, बहुत ही गंदी है, बहुत स्टिकी है। लो, निकल गया। एओ, अभी भी गंदा है। ये लुक अच्छी नहीं लग रही, हमें तुम्हें धोना होगा और ये गंदे कपड़े उतार देते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुमने कुछ बोला? मुझे शर्म आ रही है। हाँ, माफ करना, मैं क्या ही सोच रही थी, तुम आराम से कर लो। शुक्रिया। वाह, ये कपड़े उतार कर अच्छा लग रहा है। हाँ, लग रहा होगा। चलो अब गर्म पानी से नहा लो, मैं तैयार करती हूँ। पानी एकदम गर्म हो चुका है, खुद को अच्छे से पैम्पर करना। मैं बाथ सॉल्ट डाल देती हूँ और इसे मिला देती हूँ। वाह, इन बबल्स को तो देखो। तो तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। कितना प्यारा स्विम सूट है, ये कलर तुम पर सूट करता है। मैं मदद करती हूँ। कैसा लग रहा है? पानी ठीक है? एक स्पॉन्ज चाहिए होगा, इससे सारी गंदगी निकल जाएगी। चलो स्क्रबिंग शुरू करें। ये ठीक है? ओ हाँ, मजा आ रहा है, मुझे इसकी आदत हो जाएगी। हाँ, इतना काफी है, हम नहीं चाहते तुम्हारी स्किन लटक जाए। वाह, कितना अलग लग रहा है। अब क्या करें? लगता है मैं जानती हूँ, मुझे इन पिंपल्स का कुछ करना होगा। तुमने कभी क्लेंजर इस्तेमाल किया है? कोई बात नहीं, मुझे पिंपल्स पॉप करना बहुत पसंद है। हिलना मत। वाह, ये क्या था? हमें अलग तरीके से इसे करना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। या फिर आहा, हमें यही तो चाहिए। ये फेस मास्क बढ़िया है और बहुत नरिशिंग है, पिंपल्स पर सही रहता है। इसके बाद मेरी स्किन चमकती है। एक तुम्हारे लिए भी है, देखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। और अब हम इंतजार करेंगे। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ओह हाँ, ये फेस मास्क, इसे उतार देते हैं, देखते हैं काम किया या नहीं। ये ठीक नहीं है, मुझे लगा था काम करेगा। और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जरूर रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। क्यूकम्बर्स कितने अच्छे होते हैं, एकदम स्वादिष्ट और ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी। एक स्लाइस तुम्हारे चेहरे पर रख देते हैं, उम्मीद है ये काम करे। तब तक स्नैक खाते हैं, मेकओवर कर कर भूख लग गई। क्यूकम्बर बहुत स्वादिष्ट है। वो कहाँ है? ये खत्म हो गया, मैं मजे से खा रही थी। एक और स्लाइस बचा है, पर मैं ये नहीं खाऊंगी। खैर, एक और ऑप्शन है। अच्छा नहीं दिखेगा, पर कोशिश कर लेते हैं। ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारे ऊपर स्लाइम लगा देती हूँ, बहुत गंदा है। बस कुछ काम कर जाए, पिंपल्स पर इससे मसाज करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अरे वाह, पिंपल्स गायब हो गए। वाह, कमाल कर दिया, मुझे ये याद रहेगा। मैं ये मिराकल पिंपल ज़ैपर इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। समझ नहीं आ रहा, शायद ये सिर्फ डॉल्स पर ही काम करता है। मैं तो सोप ही इस्तेमाल करूंगी। लगता है तुम्हें शीशे में देखना चाहिए, कैसा लग रहा है? खैर, मेरी स्किन तो अच्छी लग रही है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तुमने ये ब्राउ देखी? ये तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये कोई मजाक है? देखो जरा। आराम से बात करो, मैं जानती हूँ इसे कैसे ठीक करना है। ओह, कितना प्यारा है। चलो अब ऑपरेट करें। पर मैं क्या इस्तेमाल करूँ? बहुत सारी चॉइसेस हैं। मैं सोचती हूँ। आहा, समझ गई, ये हैमर। ये आइडिया अच्छा नहीं है। ओह, ये चलेगा। ये मत करो। लेकिन मैं समझ गई, मैं ट्वीजर्स इस्तेमाल करूंगी। मुझे चिंता हो गई थी, ये हुई ना बात।
चलो प्लकिंग करें। अगर दर्द हो तो बता देना। वाह, इतने सारे बाल, तुमने कभी वैक्सिंग का नाम सुना है? ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। सच में ये इतने ज्यादा कैसे हो गए? यहाँ गर्मी हो रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। बस ये आखिरी है। शुक्र है ये खत्म हुआ, पर हमने कर दिखाया। कितनी बढ़िया ब्राउज है, तुम अच्छी लग रही हो। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए, पर अभी और भी काम बचा है। हमें स्माइल का कुछ करना होगा। सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक चीज है। अपना मुंह खोलो, तुम्हारी दांत चमकने लगेंगे। चलो अब स्माइल दिखाओ। मैं नर्वस हूँ। ठीक है, ये देखो। वो इतनी ब्राइट। वाह, तुम्हारी स्माइल तो बहुत अच्छी है। तुम चमक गई हो, बहुत अच्छी लग रही हो। सब कितना बढ़िया हो गया। उम्मीद है तुम्हें खुद को देखकर अच्छा लग रहा हो। ओह, अच्छा लग रहा है। रुको मत। हाँ, मेरी उंगली चिपक गई। कोई बात नहीं, मैं खींच लूंगी। आओ आओ, ऐसा मत करो। रुको तो। आउच आउच। देखा, सब ठीक है। रुको। ओह, ये ठीक नहीं हुआ। तुम नया हेयर स्टाइल करने की सोच रही हो क्या? ये मेरे बाल है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं जानती हूँ क्या करना है। उम्मीद तो है, लगता है ये काम करेगा। अरे वाह, इतना सारा गंद। ये स्ट्रिंग क्या कर रही है? मुझे अपनी जेबें खाली करनी चाहिए। जरा रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा दिखेगा। इसके लिए पहले रेजर चाहिए। शुक्र है मेरा हाथ टिक कर काम करता है। पहले सारे बाल हटा देंगे, इस गू को तभी हटा पाएंगे। बस हो ही गया। अब हमें ये स्प्रिंग और वुडन स्क्यूअर चाहिए। स्प्रिंग को इस तरह स्क्यूअर से होल्स के अंदर घुसाएंगे। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। ये महंगे सैलून में जाने से तो काफी बेहतर है। वाह, कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देती हूँ। ये लुक कितनी कूल है। तुम बहुत फैशनेबल लग रही हो। चलो अब जरा हवा महसूस करो। ओह हाँ, मैं एक स्टार हूँ। ये लुक मुझ पर जच रही है। मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। शायद नहीं। क्या देख रही हो? ओह, जरा वो देखो। नहीं, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। ये मेरा स्टाइल। कितना शीक है और ट्रेंडी भी। मुझे पसंद आया। वो और मुझे भी। मुझे नए कपड़े चाहिए। तुम्हें वो पसंद आया? तो मैं कुछ करती हूँ, अभी आती हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ तो होगा। एव, अरे नहीं नहीं ना, पास। जरा रुको, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे लगा था कुछ अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैं मान रही हूँ, कुछ और करेंगे। और है क्या, सोचते हैं। हे, देखो मुझे क्या मिला। ये मदर नेचर कलेक्शन का है। नहीं, तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया। मेरे आइडियाज खत्म हो रहे हैं, और क्या करूं? लेकिन मैं ये मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम क्या सोचती हो? मैं श्योर नहीं हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? ये देखो, सब कंट्रोल में है। पहले मॉडलिंग क्ले को ऐसे फ्लैट करेंगे, अब इसे काटना शुरू करेंगे। मैं इसके लिए क्ले नाइफ इस्तेमाल कर रही हूँ। मॉडलिंग क्ले में से लंबी लंबी लाइनें खींचेंगे और ये बन गई पैंट्स। हे, बढ़िया लग रही है। अब इन्हें ध्यान से निकाल लेंगे और डॉल पर लगा देंगे। अब एक टॉप बनाएंगे। वाह, क्या आउटफिट है। तुम पर जच रही है। मुझे जलन हो रही है, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। पर रुको, कुछ मिसिंग है। तुम्हें एक कोट की जरूरत है, मैं इसे लगा देती हूँ। वाह, तुम्हारी आउटफिट पूरी हो गई और अब तुम बिल्कुल तैयार हो। वाह, सब तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी साइड से फोटोज लेना। तुम खूबसूरत हो। ओह, और मैं थक गई हूँ। आज का दिन बहुत बिजी था, हमने बहुत कुछ किया। चलो सो जाएं। हे, उठ जाओ। ये क्या है? हाय, कैसी हो? क्यों, ये कोई सपना है? नहीं, मैं सच में यहाँ हूँ और मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। वाह, विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम सच में यहाँ हो। हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। आज का दिन सबसे अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। कभी कभी कुछ चीजें डल लगने लगती हैं, पर वो ठीक हो सकती हैं बस थोड़ी सी मेकअप ट्रिक से। वाह,
मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ, ये काफी बेहतर है। मैं तुम्हारी मदद करूँ? एक पार्टी? देखो हमें क्या मिला, और ये कॉस्ट्यूम पार्टी भी है, तो हमें तैयार होना चाहिए। चलो चलें। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अच्छा बेस होना चाहिए। चलो भी, कुछ बदल नहीं रहा। मैं अभी भी बिल्कुल अलग नहीं लग रही। अरे यार, ये तो टूट गए। मैं कॉस्ट्यूम पार्टी में ऐसे नहीं जा सकती। अगर मैं ये कलर्स लगा पाऊँ तो? और पता चला कि हम कलर्ड पेंसिल्स को मेकअप में बदल सकते हैं। हाँ, पसीने इसमें डुबो दे और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। चलो अब कलरिंग शुरू करें। अभी कितनी स्मूथ लग रहे हैं। अगला पिंक है, आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं, बस एक के बाद एक। लगभग हो गया, मैं यहाँ पर पूरा रेनबो बना रही हूँ। और आखिर में थोड़ा सा विंग कैसा रहेगा? दोनों आंखों को मैच जरूर कर लेना। अब कैसा लग रहा है? कितनी कूल ट्रिक है ना? अब बस हमें आउटफिट देखना है। समझ गए, रेनबो टास्टिक बेबी। ठीक है, पार्टी के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर पक्का कुछ है। इसमें से कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं, और भी बुरा है, ये मेरा नहीं है। हे! ओ नहीं, ये तुमने कैसे? घबराओ मत, हम कुछ कर सकते हैं। मेरे फिशनेट्स? कैसे? हमें यहाँ कुछ अलग सोचना होगा। ठीक है, बस एक जरूरी स्टेप। फिशनेट से हमें स्केल इफेक्ट मिलेगा। अपने चीक्स पर ब्लू ह्यूज बनाएं और लिप्स की तरफ पर्पल। अब टाइट्स हटा दें और एक शानदार नतीजा देखें। ये काफी बेहतर है। पार्टी के लिए तैयार हो? तो चलो। हाँ, क्या शानदार जगह है। हाँ, तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है ना? सब हमें देख रहे हैं, डीजे भी। वो कितना प्यारा है। हमें रोज ऐसा तैयार होना चाहिए। बस पूरा हो ही गया। वाला, सैलून जाने की किसे जरूरत है? ओह, मेरा फोन। ये, ओह रुको, मेरे नेल्स। पर मुझे उठाना तो होगा ही, अब मैं क्या करूं? ये क्या है, ये यहाँ कैसे आया? मुझे बस अपना फोन चाहिए। ओह, मैं स्नैक खाना पसंद करूंगी। पर नहीं, वहाँ ध्यान देना होगा। आराम से चलो। ठीक है, मिल गया। ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह से खराब हो गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बहुत बुरा हुआ। ठीक है, घबराओ मत, वो बस नेल्स ही तो है। हे, वाटर ग्लास कैसा रहेगा? चलो ये ट्राई करें, शुरू करें। ठीक है, इस बार मैं अलग तरीके से करूंगी। इसे एयर ड्राई करने के बजाय हम पॉलिश को एकदम ठंडे पानी में सेट करेंगे। पानी के बोल में अपने नेल्स को डुबोएं और कुछ मिनटों में आप देखेंगे पॉलिश सेट हो जाएगी। मुझे ये ट्रिक सबको बतानी होगी, तुम ये मानोगे नहीं। चलो टाशा, बाहर आ जाओ, आज तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हे, देखो उसके पास क्या है। अरे वाह, तुम्हारी डॉल खूबसूरत है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है? ओ, हर किसी को उसकी डॉल पसंद आ रही है।
डाला, लगता है तुम्हारे बालों का कुछ करना होगा। रुको, मैं जानती हूँ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, मैं डॉल को तो नहीं बदल सकती, पर मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। पहले मैं ग्रीन कॉन्टैक्ट्स लगाती हूँ और अब मेकअप। आईलिड्स पर हम ये व्हाइट पेंसिल लगाएंगे, इसे बस डैब करेंगे और फिर इस ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। अब हमें ये ब्राइट पिंक चाहिए, मैं इसे अपने लिड्स के बाहर की तरफ लगाऊंगी। और अब ग्लिटर की बारी, ये सबसे अच्छा है। बस व्हाइट के ऊपर थोड़ा सा हम कैट आई के लिए लाइनर इस्तेमाल करेंगे। नीचे का ऐसा भूल मत जाना, थोड़ा सा और पिंक और हाँ थोड़ा ग्लिटर भी। तो चलो, आंखें पूरी हुई। अब ब्लेंडर ले लेते हैं। हाँ, ब्लेंडर का काम पूरा हुआ। ब्रश से थोड़ा ब्लश लगा लेंगे और फिर आईब्रोज की तरफ बढ़ते हैं। इनकी शेप बन गई। अब थोड़ा और कलर लगाएंगे और अब लिप्स पर। आखिरी स्टेप है फॉल्स लैशेस। तुम्हें लगता है अभी हो गया? नहीं, देखा, मेरे लिप्स पर दो हाईलाइट की लाइंस। और हाँ बिल्कुल, बाल भी तो चाहिए। बाल सेट हो गए। थोड़ा और मेकअप कर लेते हैं। ब्राउन कलर से अपनी हेयर लाइन बनाएंगे और थोड़ी व्हाइट लाइंस भी। हो गया। और देखा जाए तो मैं कमाल के लग रही हूँ। ये कितनी प्यारी है। और हे भगवान, हाँ बिल्कुल, मैं वापस आ गई। ओह वाह वाह, ऐसे देखो तुम बिल्कुल इसकी डॉल जैसी लग रही हो, और उससे भी बेहतर। सॉरी टाशा, बाद में मिलते हैं। देखो मैं डॉल डांस भी कर सकती हूँ। जी हाँ, मेरा आइसक्रीम टेबल एकदम तैयार है। जरा इसे तो देखो। हाँ, क्या वो मुझे घूर रही है? हे आइसक्रीम, आओ और ले जाओ। हाँ ये रहा आइसक्रीम कोन। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे करो। आइसक्रीम एकदम ताजी और स्वादिष्ट, सिर्फ आज के लिए। हाँ मेरी आइसक्रीम तो हिट हो गई। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी। क्या उसने अभी से इतने पैसे कमा भी लिए? हे, यहाँ पर आइसक्रीम है और ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई भी मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं खरीद रहा? ये बहुत स्वादिष्ट है। रखो, शायद मेरी लुक की वजह से। हाँ पहले आई कलर से शुरू करती हूँ, मैं इसे ब्लू रखूंगी। और अब मेरे आइसक्रीम कोन्स, पहले कोन को ट्रेस करेंगे, फिर पेपर नैपकिन और लिक्विड लेटेक्स से पेपर को क्रम्बल करके लेटेक्स में डिप करेंगे। जो सर्कल हमने बनाया था इसके ऊपर लगाएंगे। इसे पूरे सर्कल पर लगाना होगा। तो चलो, हो गया। अब कोन वापस लेंगे और इस पूरी जगह पर हम कोन लगा देंगे। जी हाँ, अब एक व्हाइट पेंसिल से अपने चेहरे पर लाइन ट्रेस करेंगे, नीचे लिप्स और चिन तक। हाँ इतना काफी होगा। अब हमें चाहिए पिंक पेंट पैलेट और ब्रश। इसे पेपर पर डैब करेंगे और जब ये सूख जाए इसे पूरे पेपर पर करेंगे और चेहरे को भी पेंट करेंगे। हो गया। अब आगे क्या करें? स्प्रिंकल्स। इसे कोन और पेंट दोनों पर स्प्रिंकल करेंगे। मैंने ये अपने लिप्स और आईलिड पर भी लगाया है और ये हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे चेहरे पर ये कोन मेल्ट हो गया हो। अब आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम, यहाँ पर आइसक्रीम है। वो जरा उसे देखो, मैं अपनी आइसक्रीम वहीं से लूंगा। वाह तुम्हारा मेकअप शानदार है। शुक्रिया, ये रही आपकी आइसक्रीम। मुझे भी दो प्लीज, मुझे कौन पसंद आया। ओह ये आइसक्रीम स्वादिष्ट है। ये क्या है? खैर मैं भी ये कर सकती हूँ। लो देखा तो तुम्हें कैसा लगा? भगवान, काश मैं एक एलियन से मिल पाती। चलो वहाँ देखते रहें और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जरा ये शानदार शूज तो देखो। माफ करना, मैं जरा कुछ काम कर रही हूँ। रुको, मैं जानती हूँ तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ कैसे आएगा। जी हाँ, मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। पहले हम आँख के पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी आँख पर भी यही करेंगे। हाँ बढ़िया है। अब थोड़ा ब्लैक कलर, पहले शेप को फिल करेंगे थोड़ा और ब्लैक कलर लेकर। आईब्रोज को नहीं भूलना। अभी लिड्स पर हमने कुछ नहीं किया। इन जगहों पर हम ब्रश की जगह पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। अब हमें चाहिए ग्रीन। बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम ग्रीन से पेंट करेंगे और लिप्स भी। और हाँ मेरे बाल भी, उन्हें भी ग्रीन ही करना होगा। इन्हें अच्छे से करने के लिए छोटा ब्रश भी इस्तेमाल करें और कॉन्टोर करने के लिए थोड़ा डार्क ग्रीन। इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे कॉन्टोर के लिए, लिप्स के नीचे भी। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा करेंगे। हाँ कॉन्ट्रास्ट के लिए येलो कलर लें। इसे चीक बोन्स पर डैप करेंगे, आँख के आसपास करने के लिए ये ठीक है। अब ब्लैक लाइंस पर टचअप करेंगे और थोड़ा सा व्हाइट भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं अगर अपनी आँखें बंद करूँ तो मैं एलियन लग रही हूँ। बहुत मजेदार होने वाला है। ये आवाज कैसी है? शायद ये मेरी वॉल पर है। अरे नहीं नहीं नहीं, आ, आ,
आखिरकार आई लव यू, तुम कमाल हो। हाँ, हमें एक सेल्फी लेनी होगी। रुको, ये कैसा मजाक है, ये बस मेकअप था। तुम एक असली एलियन नहीं हो। खैर, अब इस मेकअप को हटाने की बारी है। इसे अच्छे से साफ कर ली, इसे उतारने में काफी समय नहीं लगेगा। वाह, ये तो ट्विस्ट है। हेलो, जो भी है। हेलो, आ जाओ। तुम जादू करती हो ना? हाँ, क्या मेरी मदद कर दोगी? एक पार्टी? सर्दियों में कौन से जा सकते हैं? देखते हैं। तुम पैदा तो इंसान हुई थी, पर अब तुम्हारा एक हॉर्न भी है। कूल। रुको, ये असली तो नहीं लग रहा। ठीक है, यूनिकॉर्नियस टर्नियस। रुको, मेरे सर को क्या हो गया? ये बहुत ज्यादा है। कितनी नचड़ी है। लो, ये लो। अब इसमें ऐसा क्या है? शांत हो जाओ, शायद तुम्हें मेकअप मैजिक की जरूरत है। अब तुम समझी? ये हुई ना बात। सबसे पहले हमें टेक्सचर पर काम करना होगा, पहले फोरहेड पर। हाँ, हम यहाँ हॉर्न बनाएंगे दोस्तों, यहाँ होगा जादू, ये इसके ऊपर टिक जाएगा। और अब बाकी के लुक की बारी। ब्लू आईज अच्छी दिखेंगी। आराम से, आराम से। परफेक्ट। अब पिंक की बारी। इसे अपने ब्राउ के नीचे ब्रश से बनाएं, बाकी का इसमें फिल कर दें। बस ये मैच होना चाहिए। पिंक कॉन्टूरिंग अच्छी रहेगी। अच्छे से ब्लेंड करें। देखा ये कैसा लग रहा है? लिप्स मत भूलना, इसमें ब्लू ह्यू अच्छा लगेगा। देखा? वाह, अब मैं बन गई एक यूनिकॉर्न गॉडेस। छोटी छोटी डिटेल्स का कमाल है, और हर छोटी स्पार्कल का। चलो चले। मेकअप मैजिक ने काम किया, ये बस एक तोहफा था। चलो अब मस्ती करो। बाय टूडल्स। आखिरकार मैं अपनी नई बुक पढ़ सकती हूँ। मेरा क्या? कितनी सैड स्टोरी है, मुझे किसी के साथ देखना है। कोई ऑनलाइन नहीं है, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। अब मैं क्या करूं? ओह, इस लड़की को तो देखो, वो अपने बालों पर ऐसा कैसे कर रही है। मैं भी अपनी डॉल की तरह दिखना चाहती हूँ। और ये ब्राउज से शुरू करेंगे, इन्हें फिल करना मत भूलना। अब थोड़ी शिमरी शैडो की बारी, इसे हम सीधा लिड पर लगाएंगे। ब्लेंड करो, वाटर लाइन पर थोड़ा व्हाइट, हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। देखो कैसे चमक रहा है। अब डायमेंशन के लिए ब्राउन ले और अच्छे से ब्लेंड करें। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये पूरा नहीं हुआ, इस पर हम ब्लैक लाइनर लगाएंगे और थोड़ा सा नीचे भी। अब इस तरफ लाइंस बनाएंगे। देखा, ये आईलैशेस की तरह लग रही है। अब हम कॉन्टोर करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से करो, करते रहो। अब चीक्स पर ब्लश लगाएंगे। अब लिप्स की बारी, पर ज्यादा नहीं, बस थोड़ा पिंक कलर लेकर ब्लेंड करेंगे। इस तरह कॉर्नर्स बनाएं। अब आप बिल्कुल डॉल की तरह लग रही है। ओह, कितने प्यारे हैं। सब हो गया। अब इस डॉल को थोड़ी अटेंशन भी चाहिए। ओह हेलो, तो हम स्प्रिंग शुरू करें। इसे देखना बहुत मजेदार होगा। कॉफी चाहिए स्वीट हार्ट। शेरो, वो सो गई है तो इसका कुछ करना होगा। वेकी वेकी। मदद के लिए शुक्रिया, अब मैं हिल सकती हूँ। देखो कितने लोग देख रहे हैं। ये हुई ना बात। इन्हें हाय कहो। कितना बोरिंग है। और
इसीलिए इसे कॉटन कैंडी ब्रेक कहते हैं। फरवरी तक हमारी सेल्स ऐसे रहेंगी। क्या इनमें से कोई मेरी बात सुन रहा है? 10 में से 5। समझ गई। पहले व्हाइट मेकअप पेंसिल से अपने चेहरे पर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सबसे ऊपर व्हाइट मेकअप करेंगे। इसमें कुछ मिनट लग जाएंगे और एक कोट से थोड़ा ज्यादा। अब नीचे की तरफ आए और ये होगा मजेदार हिस्सा। तो चलो, एक साइड पिंक और एक साइड ब्लू, नोज के पास येलो और नेक तक आते आते इसे ब्लेंड करते जाएं। बढ़िया। अब एक ब्रश पर थोड़ा व्हाइट कलर लें और प्यारे प्यारे क्लाउड्स बनाएं। अलग अलग साइज के हो सकते हैं। नेक मत भूल जाना। आखिर में लिप्स पर थोड़ा ग्लॉस लगाना अच्छा रहेगा। सुंदर लग रहा है ना? तुम्हें क्या लगा मैं इन्हें छोड़ दूंगी? वो व्हाइट कॉन्टैक्ट से इसकी लुक एकदम बदल गई। अब हम आगे बढ़े। वो जरा ये देखो, बहुत अच्छे। शुक्र है तुमने ध्यान तो दिया। अब और ध्यान देने की जरूरत है। ले आओ, तुम्हें इसे टेस्ट जरूर करना चाहिए। कितना मीठा है। शानदार, देखो। और वो मुझसे डर गया था। ड्रॉइंग मजेदार है। अगला क्या? ओह, थोड़ा पेंट। ये बहुत अच्छा होने वाला है। वी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। थोड़ा सा ब्लशर ब्लू। अब परफ्यूम की बारी। बहुत अच्छी खुशबू है। मैं लिपस्टिक नहीं भूल सकती। ओह नहीं, ये तो खाली है। उसे इस्तेमाल करती हूँ। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, मैं जानती हूँ क्या हुआ है। आराम से रहो। तुम मेरे मेकअप से खेल रही थी। ये तो बढ़िया है। कितना सुंदर कलर है। उप्स, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। जरा मुझे देखो, मैं एक प्रो हूँ। बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हे, सैनी, मेरे मेकअप से पंगे मत लो। वो गलती से हुआ था। भूल भी जाओ। समझ गई। क्या क्या हो गया? मुझे वो ब्रश दो। कौन सा ब्रश? वो मुझे दो। नहीं, वो मेरा है। फिर मिलेंगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगी। मुझे नहीं पकड़ सकती। ये लो। मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ। ओह कैंडी, मुझे अपनी एनर्जी बरकरार रखनी है। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही। ये ढूंढ रही हो? मुझे ब्रश दे दो। तुमने बहुत कोशिश की, इसके लिए तो मैं दे सकती हूँ। यम्मी। अब मैं अपना मेकअप पूरा करूँगी। ब्रश पर थोड़ा पेंट लगाएंगे और अब लिप्स पर लगाएंगे। दूसरे शेड से भी ऐसा ही करें। इसे पूरे लिप्स पर करेंगे। छोटे छोटे सेक्शंस बनाकर। कितना कलरफुल है। बस ये आखिरी है, अभी पूरा नहीं हुआ। लिप्स को साथ में जोड़ेंगे और यहाँ है कलरफुल लिपस्टिक, जैसे मेरे लिप्स पर रेनबो हो। अब आई मेकअप की बारी। बस एक विंग आईलाइनर लगाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? इसे और क्यूट बनाते हैं। चीक्स पर लव हार्ट्स बनाएंगे। अब दूसरी साइड पर। लगता है हो गया। रुको, पेनी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ, मैं खूबसूरत लग रही हूँ। बहुत सुंदर हो। लो कैंडी खाओ। बहुत फनी था, तुम्हें उसे डांस करते हुए देखना चाहिए था। हे भगवान। हाय गर्ल्स, चलो यहाँ से चले। वो हमें देख रही है। मैं तो दोस्ती करना चाहती थी। ओह, ये क्या है? वाह, एक कॉस्ट्यूम पार्टी, मजा आएगा। खैर जरा रुको, मुझे चलना चाहिए और तैयार होना चाहिए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो शुरू करें। मैं आंखों से शुरू करूंगी। विंग ग्लू के लिए एक फ्लेक बनाएंगे।
और अब फेक आई लैशेस चाहिए, इससे और डेफिनेशन मिलेगी और लंबी लैशेस भी। इसे लगाना बहुत आसान है। वाह, इस ब्रश से आई लैश को लिफ्ट करेंगे। अब आई लाइनर लगा सकते हैं। हो ही गया। अब बॉटम लिप्स की बारी। इससे नेचुरल कलर मिलेगा और ये बेस लेयर जैसा काम करेगा। अब इस पर आई लाइनर लगा देंगे। हाँ, अब फेस पेंट की बारी। नोज पर थोड़ा सा पेंट करेंगे। और लिप्स के आसपास भी। ऐसा लग रहा है मेरी मूछें हैं। ऊपर का लिप पेंट करूंगी और ब्रश से छोटे छोटे डॉट बनाएंगे, जैसे विस्कर्स के होते हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे कपड़े भी पहन लेने चाहिए। मैं बहुत प्यारी कैट बनी हूँ। चलो चलें। चलो पार्टी करें, बहुत मजा आएगा। ओह, मेरी पूंछ फंस गई। ये क्या बकवास है। वुहू, वो क्या ये पेनी है। वाओ, डांस करना चाहोगे। बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है। विश्वास नहीं होता, मुझे जाना होगा। उसे क्या हो गया। बहुत मजेदार है। आपको एमा की डॉल का मेकओवर पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।